जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नशीला पदार्थ रखने व सप्लाई करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में रुस्तम पुत्र बाबू खान वासी खेड़ा मार्केट कॉलोनी लाडवा व नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में परवेज और प्रवीण पुत्र कूड़ा खान वासी डेरा लाडवा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की है। सहायक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 15 मई को एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक पवन कुमार, सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, महेंद्र सिंह, नरेश कुमार, नवदीप सिंह, एसपीओ सुरेंद्र कुमार व गाड़ी चालक हवलदार प्रवीण कुमार की टीम अपराध तलाश के संबंध में इंद्री चौक लाडवा पर मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि रुस्तम पुत्र बाबू खान वासी लाडवा स्मैक बेचने का काम करता है, जो आज भी रुस्तम डेरा लाडवा से पैदल पैदल इंद्री चौक लाडवा पर चलते फिरते ग्राहकों को स्मैक बेचने के लिए आएगा। अगर अनाज मंडी लाडवा रादौर की तरफ जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी की जाए तो वह स्मैक सहित काबू आ सकता है। पुलिस टीम ने अनाज मंडी लाडवा रादौर की तरफ जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी करके निगरानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को मिली सूचना के अनुसार एक व्यक्ति पैदल पैदल आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोक कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रुस्तम पुत्र बाबू खान वासी लाडवा बताया। मौके पर राजपत्रित अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार SMLS हॉर्टिकल्चर लाडवा को बुलाया गया। राजपत्रित अधिकारी के सामने उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नशीला पदार्थ 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी परवेज प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 500 रुपए की नकदी बरामद की गई। दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया। हमारे SP साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोलिया IPS SP कुरुक्षेत्र के हमारे निर्देश है, उनके दिए दिशा निर्देश अनुसार कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। नशा तस्करों की लगातार दर पकड़ जारी है। दोषी करीब में कल हमारी ANC की टीम को एक सूचना मिली थी कि रुस्तम सुनोब बाबू खान ये स्मैक बेचने का काम करता है और यहाँ लाडवा चौक पर आएगा स्मैक बेचने के लिए, तो इस सूचना के आधार पर हमारी ANC की टीम ने वहाँ नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान को बुलाया गया और इसको वहाँ काबू किया, जो इसके कब्जा से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। और जो जिसे ये लेकर आता था परवेज रूप उदा खान डेरा लाडवा का रहने वाला है, उसको भी आज अरेस्ट कर लिया है, जो अब इनको मान्य दंड में पेश किया जाएगा।